अरे मम्मी, हाँ ये भाभी ने पजामा टी शर्ट पहनना कब से शुरू कर दिया? अरे अभी हुआ है कुछ दिन। मना नहीं करा आपने? हम क्यों मना करेंगे, हम कौन होते हैं मना करने वाले। नहीं भाभी, मैं तो कह रही थी कि सूट में दिक्कत होती है, इसलिए शायद आपने पजामा टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया है। लिया बहू, रख रख। नहीं, मेरी सास तो बहुत ही कड़क है, अगर मैं सर पे इतना पल्लू रख लू ना तो भी टोक देवे कि पूरा क्यों नहीं ढका है तूने मुंह। हाँ, तो पजामा टी शर्ट तो मैं नहीं पहन सकती अपने ससुराल में, और क्या, बहुत वो है मेरी सास। नहीं, आपको तो मेरी मम्मी जैसी सीधी सास मिल गई है, तो मेरी मम्मी तो इतना टोकती रोकती नहीं है, इसलिए आप। भाभी, आपका सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज ही लिया है क्या? हाँ, आज ही लिया है मार्केट से, अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू दीदी। हाँ, वेलकम। तो मम्मी के लिए कुछ नहीं लेके आए आप? नहीं। क्यों? मम्मी ने बोला ही नहीं। नहीं, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो अपनी सास और ननद के लिए हमेशा एक जोड़ी कपड़े लेके आती हूँ, चाहे वो बोले मुझसे या ना बोले, मैं तो लेके आती हूँ। मेरे मन में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है माँ और सासू माँ में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो दोनों को एक बराबर मानती हूँ, इसलिए दोनों के लिए ही ले आती हूँ। अपने लिए ही, भले ही कुछ लू या ना लू, लेकिन अपनी सास और ननद के लिए जरूर लेती हूँ मैं तो, बड़ी खुश हो जाती है दोनों। नहीं, आपके घर में कुछ और रिवाज चलता होगा, है ना दीदी? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं लेके आए? चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी मेरे को बोलती तो मैं लाती। हाँ चलो, अब बोला नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो मुन्ना बोली ले आती हूँ अपने सास के लिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, भाभी क्या बना रहे हो आज? अरे कुछ नहीं दीदी। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे ना एक काम था आपसे। अच्छा बोलो ना, क्या काम है? अभी का खाना तो दीदी मैंने बना ही लिया है। हाँ, हाँ। शाम का आप बना दोगे? मुझे कुछ काम है। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम का खाना मैं बना दूंगी, लेकिन मेरी सास नहीं, मेरे ससुराल में जब भी मेरी ननद आती थी ना, मैं उससे एक पानी का गिलास तक नहीं उठवाती थी, सारा काम मैं खुद अकेली करती थी। उसके जो पसंद का था सब कुछ बनाती थी मैं, रात दोपहर दिन में सब उसको देती थी बैठे बैठे, कि बेचारी इतना काम करती होगी अपने ससुराल में, तो मायके में तो कम से कम आराम मिल जाए, इसलिए मैं उससे एक भी काम नहीं कराती थी। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद बना लूंगी, आप रहने दो। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस बता रही थी आपको, है। नहीं दीदी, मैंने सोचा ही आपका घर है इसलिए आपको बोला, मैं खुद बना लूंगी। नहीं ऐ दीदी, ऐसी थोड़ी ना बात है, ये तो मेरा ही घर है, और क्या, मैं बना दूंगी। मम्मी, यहाँ मेरी फोटो थी एक टंगी हुई। अरे वो तेरी भाभी ने उतार दी। अच्छा, भाभी ने उतार दी? अच्छा, भाभी की फोटो तभी लगी हुई है। नहीं नहीं भाभी, वो मैं कह रही थी कि अच्छी लग रही है फोटो, अब मैं नहीं हूँ इस घर में तो क्या हो गया, मेरी फोटो को भी क्या करना रख के, हैं? अच्छी लग रही है आपकी फोटो? ऐसा नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, स्टोर रूम में रखी है। हाँ तो कोई बात नहीं, स्टोर रूम में, अब मैं भी तो कहीं चली गई हूँ, अब क्या है ना, कोई बात नहीं, आपकी फोटो काफी अच्छी लग रही है। मेरी नंद भाभी जब भी आती है ना अपने घर, हाँ ससुराल में मेरे, तो एक थैला ही लेके आती है। मैं कहती क्या, बस कपड़े वपड़े उठा के ले आती है तो, लेकिन मैं उसे 5 थैलों के संग विदा करती हूँ। हाँ, और अलग से 1000 रुपए देती हूँ, सबको देती हूँ, जो भी इसके बच्चे बच्चे आते हैं सबको देती हूँ मैं, 500 500, 1000 उसको देती हूँ। आप भी मत करो चिंता दीदी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता रही हूँ बस। मैं एक मिनट में आई। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी, ये भाभी ने समोसे बनाए हैं, आपसे नहीं पूछती क्या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना? नहीं बेटा, मैंने सब छोड़ दिया है। अरे पूछ के बनाना चाहिए, सास हो आखिर आप इस घर की, कुछ भी बना के धर दियो, मतलब ये क्या होता है, आपसे पूछे भी ना। क्या बोली थी? अरे कुछ नहीं, मैं मम्मी को बता रही थी कि जो मेरी सासू माँ है ना, उनसे पूछे बिना ही हमारा खाना बनता है, नहीं उनके पूछे बिना हमारे घर का खाना ही नहीं बनता। हाँ, जब तक वो कहना है ये बनाना है तो यही बनना है आज बस। नहीं मैं बता रही थी बस, हैं, अब हर घर के ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि जो मर्जी आए बहू बहू बना ले, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल, अपनी सास से पूछे बिना ही खाना बनाती हूँ, क्या बनाना है क्या बनाना है वही सब खा लेती हूँ। तो मम्मी जी ने फुल छूट दे रखी है। हाँ हमारी मम्मी सीधी है ना, इसीलिए तुम्हें फुल छूट मिल रही है ना, मम्मी ऐसी होती है हमारी सास की तरह, तो बता देती है आपको।